नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र भर्ती योजना की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आयुष्मान भारत योजना के तहत वर्ष 2019-2024 तक 10 लाख नौकरियां उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत वर्ष 2019 में देश भर के सरकारी एवं निजी अस्पतालों में 1 लाख पदों पर आरोग्य मित्रों की भर्ती की जाएगी। आयुष्मान भारत योजना से देश भर के 20,000 अस्पतालों को जोड़े जाने की योजना है। इन अस्पतालों में वर्ष 2019 में 20,000 आरोग्य मित्रों की भर्ती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस मिशन के तहत प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र भर्ती योजना शुरू की गई है। योजना द्वारा निर्धारित पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर्मचारी राज्य बीमा निगम क्षेत्रीय कार्यालय के वेब पोर्टल पर करना होगा। तो आइए जानें आरोग्य मित्र योजना की पूरी जानकारी। प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र की भर्ती योजना क्या है? आरोग्य मित्र भर्ती योजना के तहत आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पतालों में राज्य स्वास्थ्य एजेंसी सार्वजनिक सुविधाओं के लिए अन्य एजेंसी के माध्यम से आरोग्य मित्र की भर्ती करने के लिए स्वतंत्र होगा। आवश्यकता पड़ने पर आरोग्य मित्रों की भर्ती के लिए अस्पताल के स्टाफ को नामांकित किया जा सकेगा। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी किसी भी अस्पताल में आरोग्य मित्र की आवश्यकता अनुसार भर्ती करेगा। स्टेट हेल्थ एजेंसी यानी SHA आरोग्य मित्रों की वेतन का भुगतान अस्पताल के माध्यम से करेगा। आरोग्य मित्रों का मासिक वेतन ₹15,000 निर्धारित किए जाने का प्रावधान है। आरोग्य मित्रों का वेतन राज्य में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के आधार पर तय किया जाएगा। जिला नोडल अधिकारी प्रत्येक 6 या 12 महीने में आरोग्य मित्रों का स्थानांतरण उसी शहर या कस्बे के अस्पतालों में करने के लिए स्वतंत्र होगा। प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र भर्ती योजना के लिए योग्यता क्या होगी? आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 12वीं कक्षा पास होना आवश्यक होगा। आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित की गई है। कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना अनिवार्य होगा। आरोग्य मित्र प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा। आवेदक को अंग्रेजी हिंदी के अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना आवश्यक होगा। आरोग्य मित्र पद पर भर्ती के लिए महिला उम्मीदवारों आशा कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र के कार्य क्या होंगे? आरोग्य मित्र लाभार्थियों के भरोसेमंद मित्र, अधिकारियों के प्रतिनिधि एवं सिस्टम ऑपरेटर की भूमिका निभाएंगे। योग्य लाभार्थियों को पहचान का सत्यापन करना, उनको स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधाओं के लाभ से अवगत कराना होगा। इसके बाद योग्य लाभार्थियों को उपचार उपलब्ध कराने में मदद करने की भूमिका निभानी होगी। लाभार्थियों के उपचार से संबंधित फीस के लेन देन का वितरण अपडेट करना होगा एवं उनके उपचार से संबंधित अस्पताल की जानकारी उन्हें प्रदान करनी होगी। लाभार्थियों के उपचार से संबंधित सभी दस्तावेजों की डाटा को कंप्यूटर में अपलोड करना होगा। लाभार्थी रोगी के अस्पताल से डिस्चार्ज की सूचना राज्य स्वास्थ्य एजेंसी को देना आदि कार्य करने होंगे। प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र का प्रशिक्षण अगस्त 2019 में राज्यों के प्रत्येक जिले से एक ट्रेनर को आरोग्य मित्रों के प्रशिक्षण हेतु ट्रेनिंग दी जाएगी, जो जिला स्तर पर आरोग्य मित्रों को उनकी भूमिका एवं जिम्मेदारियों से संबंधित प्रशिक्षण देने का कार्य करेंगे। प्रशिक्षण के बाद आरोग्य मित्रों को ऑनलाइन एवं मौखिक परीक्षा पास करना होगा।
परीक्षा में सफल आरोग्य मित्रों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके बाद चयनित आरोग्य मित्रों की नियुक्ति आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पतालों में की जाएगी। आरोग्य मित्रों की भर्ती एक वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पर की जाएगी, जो प्रत्येक वर्ष के अंत में उनके कार्य के प्रदर्शन के आधार पर फिर से रिन्यू की जाएगी, अर्थात अनुबंधित की जाएगी। उनके कॉन्ट्रैक्ट को फिर से रिन्यू किया जाएगा हर वर्ष। प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र भर्ती के लिए आवेदन। योजना में आवेदन हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹250 निर्धारित किया गया है। अन्य वर्गों के लिए आवेदन शुल्क ₹500 सुनिश्चित किया गया है। योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए अपने राज्य के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। वर्ष 2019 के लिए आरोग्य मित्र भर्ती हेतु आवेदन की प्रक्रिया सितंबर माह से शुरू होने की संभावना है। अर्थात दोस्तों, अभी इस योजना में भर्ती की कोई नोटिफिकेशन आधिकारिक वेब पोर्टल पर नहीं प्राप्त हुई है। जैसे ही आरोग्य मित्रों की भर्ती का नोटिफिकेशन आधिकारिक वेब पोर्टल पर आएगा, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उसकी सूचना आप तक पहुँचाएंगे। योजना में ऑफिशियल आवेदन हेतु अपने जिले के सीएमओ कार्यालय से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल को देखने के लिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए ताकि योजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि नए योजनाओं की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।